आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और साबूदाना के पापड़। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, और इन्हें हम व्रत में भी खा सकते हैं और आप चाहें तो बिना व्रत के भी खा सकते हैं। और अब तो होली आ रही है, तो होली पे आप इन्हें बनाइए और एंजॉय करिए। बनाने की रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ, और इन्हें आप ज़रूरी नहीं है कि आलूओं को उबालें या फिर पहले से ही साबूदाना भिगोएं, इन्हें बहुत इंस्टेंट बना लेंगे हम तुरंत के तुरंत। तो चलिए देखते हैं इन्हें हम कैसे बनाते हैं। इस तरह के पापड़ बनाने के लिए हमें कोई पहले से तैयारी नहीं करनी है, ना ही तो हमें आलू को उबाल के रखना है और ना ही हमें साबूदानों को भिगो के रखना है। कई बार हम सोचते हैं कि पापड़ बनाना था लेकिन साबूदाना तो हमने भिगोया नहीं। नमस्ते, मैं हूँ सुषमा त्यागी और आप देख रहे हैं रसोई मेरी तुम्हारी। तो चलिए पापड़ बनाना शुरू करते हैं। तो इन पापड़ को बनाने के लिए मैंने ये ले लिया है साबूदाना। ये बारीक वाला साबूदाना है जो हर जगह दुकान पर बड़ी आसानी से मिल जाता है, और ये मेरा पूरा एक कप भी नहीं है, एक कप से थोड़ा सा कम है। और इसको हम बारीक पाउडर बना लेंगे मिक्सी में डाल के। आप चाहे तो भिगो के भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप भिगोना भूल गए हैं तो इस तरह इसे आप मिक्सर जार में डालिए और पाउडर बना लीजिए। तो देखिए काफ़ी बारीक पाउडर मैंने इसका बना लिया है। और एक हम कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई भिगोना आप कुछ भी ले सकते हैं, बस उसका जो आपका तला है वो मोटा होना चाहिए वरना ये चिपक जाएगा। और ये मैंने दो आलू ले लिए हैं, आलू को भी मैं काट के धो के अच्छे से रखा है, और अब इन्हें हम काट लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। तो आप पहले से आलू को साफ कर ले, छील ले, मिट्टी वगैरह ना लगी हो, और धो लें छीलने से पहले ही और छीलने के बाद भी। और इन्हें भी हम डाल लेंगे। तो ये मेरे लगभग सवा कप है वैसे आलू, और आपको इसकी कोई क्वांटिटी की खास वो नहीं है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, साबूदाना कम कर सकते हैं, आलू ज़्यादा कर सकते हैं, या आलू ज़्यादा कर सकते हैं और साबूदाना को कम कर सकते हैं, कैसे भी आप कर सकते हैं। बस दोनों चीज़ों को हमें मिक्स करना है और इनके बारीक बारीक टुकड़े इस तरह से काट के इसका भी हम बारीक पेस्ट बना लेंगे। वैसे तो आलू में काफ़ी पानी होता है, लेकिन अगर आपको लगे कि ये ठीक से नहीं पेस्ट बन रहा है तो आप थोड़ा पानी डाल सकते हैं। मैंने आधा कप पानी इसमें डाला है, और हम इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। आलू के पेस्ट को आप पीस लें, हो सकता है इसमें कोई छोटे टुकड़े रह गए हो, वरना आपके जो पापड़ वो काले पड़ जाएंगे या टूट भी सकते हैं, तो इसलिए आप उसे अच्छे से छान लें। और एक कप इसी जार में मैंने पानी डाला और उसे धो के मैंने अच्छे से फिर से इसमें डाल दिया है। तो लगभग 1.5 कप पानी हमारा लग चुका है, और ये मैंने अच्छे से छान लिया है। बस इसे हम अलग रख देंगे, और जो हमने ये पेस्ट लिया है इसी से हमें पापड़ों को बनाना है। तो अभी आपको कम लग रहा है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। अब हम इसमें पानी डाल लेते हैं। तो आधा कप पानी मैंने और डाल लिया है, लगभग 2 कप पानी मेरा हो गया है, और 2 कप और डाल लेते हैं। तो 4 कप पानी हम इसमें डाल चुके हैं। आधा चम्मच हम बेकिंग सोडा डाल लेंगे और व्रत वाला नमक डाल लेंगे। अगर आप व्रत वाला खाते हैं तो आधा चम्मच नमक इसमें कम ही डाल लें, क्योंकि बाद में सूखने के तेज़ हो जाएगा। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप व्रत वाला नमक नहीं खाना चाहते हैं तो आप सादा नमक भी डाल सकते हैं, अगर आप पापड़ व्रत में नहीं खाएंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे गैस पर रख देंगे, और मैं थोड़ी सी हरी मिर्चों को, 2-3 हरी मिर्चें थी उन्हें बारीक चॉप कर लिया है। आप इसकी जगह चाहें तो काली मिर्चें भी डाल सकते हैं, हरा धनिया भी डाल सकते हैं, और ये मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया। जीरा जो है पापड़ में बहुत ही अच्छा लगता है। और बस अब हम इसे चला लेंगे। गैस आप तेज ही रखें और बस चलाते रहें, आपको छोड़ना नहीं है, वरना इसमें गांठे पड़ जाएंगे और ये नीचे लग भी सकता है। तो इसे चलाते हुए आप गर्म कर लें, और ये देखिए काफ़ी गाढ़ा हमारा ये हो गया है, और ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, अभी ठीक से पका नहीं है। तो मैं इसमें और 1 कप पानी डाल लेती हूँ, क्योंकि अभी ये कच्चा है, ऐसे ही हम पापड़ बनाएंगे तो टूट जाएगा। तो 1 कप मैंने इस और पानी डाल लिया है, तो लगभग हमारे 5 कप पानी इसमें डल चुका है। लगभग 6-7 कप पानी इसमें पूरे में डलता है, जो मुझे बाद में भी डालना होगा। और इसे हम अच्छे से चलाते हुए पका लेंगे। जो ये बैटर है हमारा, ये कच्चा नहीं होना चाहिए वरना पापड़ टूट जाएंगे, इसे हमें अच्छे से पका लेना है। तो देखिए 1 कप पानी मैंने और डाल लिया, 5 कप हम पहले डाल चुके थे, तो ये 6 कप पानी मेरा हो गया है, क्योंकि बहुत टाइट है और हमें इसे अच्छे से पकाना भी है, तो ये लग जाएगा नीचे। और ये देखिए इस तरह से हमारा बैटर तैयार हो गया है। इसका कलर भी चेंज हो गया है, पहले जैसा नहीं है, तो ये काफ़ी पतला भी हो गया है, जैसे कढ़ी वगैरह होते ना इस तरह से। देखिए इतना पतला ये बैटर हमारा होना चाहिए, क्योंकि रखने के ठंडा होने के बाद ये काफ़ी ठंडा होगा। और आप इसका कलर देख सकते हैं, पहले जो कलर था इसका एकदम वाइट था पकाने से पहले, और अब इस तरह का कलर हो गया है, पहले बहुत टाइट भी था। तो अब देख लें, जब तक ये ट्रांसपेरेंट हो बिल्कुल चमकदार सा,
कलर इसमें ना आए तब तक आप इसे पकाते जाए और इस तरह से हमारा ये गिरना चाहिए। और अब हम चलते हैं धूप में, क्योंकि पापड़ों को हमें धूप में सुखाना है, तो वहीं मैं तोड़ लेती हूँ। आप चाहें तो पहले उसे छाए में तोड़ लें और फिर आप बाद में सुखा दें। तो ये मैंने एक प्लास्टिक शीट ली है, मेरे चावल का जो पैकेट था उसी को मैंने काट के इसे चौड़ा कर लिया है। और अब हम इस पर एक चम्मच डाल के इस तरह से फैला देंगे, एक एक चम्मच बैटर डालेंगे और काफ़ी अच्छे पापड़ हमारे बन जाते हैं इसी से। ये देखिए, अब तीना बनाना बहुत ही आसान है, बस हमें डालना और फैलाना है, कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। जितना था हम कर चुके हैं झंझट, तीना बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। हाँ, इन्हें आपको 2-3 दिन की धूप चाहिए सुखाने के लिए अच्छे से। अगर आपके यहाँ ज़्यादा धूप आती है तो हो सकता है आपका एक ही दिन में सूख जाए, लेकिन मेरे यहाँ धूप ज़्यादा नहीं आती तो मुझे इन्हें 3 दिन सुखाना पड़ा था। और अब मैं ये बड़ा टेबल स्पून ले लेती हूँ, अभी मैं चम्मच से तोड़ रही थी। तो हम थोड़े बड़े पापड़ भी बना सकते हैं, आपको जैसे पापड़ पसंद है बड़े छोटे अब बना सकते हैं। तो मैंने कुछ छोटे पापड़ बनाए हैं और कुछ बड़े बनाए हैं। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले, ताकि आपको टाइम पे मेरी वीडियो मिलती रहे। और ये देखिए, सभी पापड़ हमारे टूट गए हैं और कितने अच्छे ये पापड़ बने हैं, बिल्कुल गोल बने हैं और अच्छे फैल गए हैं। और आप जो है ना जबरदस्ती ना हटाएं, जैसे जैसे ये सूखते जाएंगे तो ये जो प्लास्टिक शीट को अपने आप छोड़ते जाएंगे, अपने आप हट जाएंगे। ये देखिए, अगर आप इन्हें गीला हटाएंगे तो ये टूट जाएंगे, तो इसलिए वेट करें। जब ये सूख जाएंगे तो ये अपने आप ही पोलिथीन से हट जाएंगे, अगर हवा चलेगी तो ये उड़ भी जाएंगे सूख कर अपने आप ही। तो चलिए, पापड़ों को सूखने देते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ सूखने के बाद ये कैसे आपको लगेंगे। देखिए, मेरे पापड़ सूख गए हैं इस तरह से, और मैंने अभी इन्हें इकट्ठा कर लिया और मैं आपको इन्हें भून के भी दिखाऊंगी। ये देखिए कितने पतले हमारे पापड़ बने हैं, आपको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है वरना वो सूख कर बहुत ज़्यादा पतले बन जाएंगे और टूटेंगे नहीं। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे पापड़ हमारे बन करके तैयार हो गए हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। और हमें इन्हें भून लेते हैं, तो ये देखिए कितने अच्छे भून भी रहे हैं क्योंकि अच्छे से सूख गए हैं। और ध्यान रखिए, जब आप पापड़ों को तलें तो आपको जो तेल है वो बहुत तेज़ गर्म होना चाहिए, अगर कम तेल गर्म होगा तो ये ठीक से फूलेंगे नहीं। तो आप पहले तेल को अच्छे से पकाएं और फिर ही इनको भूनें। तो ये देखिए, मेरे पापड़ कितने अच्छे बनते जा रहे हैं, बहुत ही कुरकुरे हैं ये और बहुत जल्दी बन भी जाते हैं, भूनने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसी तरह आपके पापड़ बनाए, होली आ रही है, इंजॉय करें और बताएं आपके पापड़ कैसे बने। और आप किस तरह के पापड़ देखना चाहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट में कर दें, तो मैं आपको होली से पहले कोशिश करूंगी कि वही तरह के पापड़ आपको मैं बता सकूं। तो ये वीडियो मेरी यहीं ख़त्म होती है, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, देखने के लिए थैंक यू।